दोस्तों इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीका से आप किसी भी रिमोट को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिमोट है, ब्रांडेड रिमोट है, और जो है आपको मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलता है, आपको पता है, और कहीं कहीं जो है एरिया वहाँ पर मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मास्टर रिमोट लेना पड़ता है हम लोग को। लेकिन कभी कभी किसी किसी स्थिति में ऐसा होता है कि मास्टर रिमोट भी आपके टीवी में नहीं लगता है, वो काम नहीं करता है। तो इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इस तरीका से आप किसी भी रिमोट को ठीक कर सकते हैं। जैसे आपका भी रिमोट अगर ख़राब होगा तो इस तरीका से आप जो है आजमा के देख लीजिएगा, 95% मैं आशा करता हूं कि आपका ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका मास्टर रिमोट है, इसमें वो प्रॉब्लम है, मैं इसी में आपको ठीक करके दिखाऊँगा। तो ये तरीका आप किसी में भी आजमा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई कोई यहाँ पे बटन काम कर रहा है और कोई कोई बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखें तो टीवी एबी वाला जो बटन है ये काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे और सब जो है बटन काम कर रहा है। तो इस तरीका से भी स्थिति आता है। और दूसरा केसेस ये आता है कि कोई भी आपका बटन काम नहीं करता है, बट यहाँ पर सभी बटन काम कर रहा है और जो टीवी एबी का है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरीका मैं आपको बताऊँगा कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सभी बटन काम कर रहा है और केवल जो है ये एवी का बटन काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारा जो टीवी है एवी मोड में नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रिमोट को खोल लेना होगा। तो चलिए इसे जो है खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा कट करेंगे इसको खोलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये रिमोट है खुल चुका है। अब यहाँ पर पहला चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर इससे जो ये प्लेट देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला प्लेट, तो इसको आपको पेट्रोल से अच्छा तरीका से क्लीन करना है। जब आपका बटन काम नहीं करे तो आपको क्लीन करना है, और ज़्यादातर वहाँ पर क्लीन करना है जहाँ पे आपका बटन काम नहीं कर रहा है। जैसे इस वाला स्थान पे काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्लीन कर लेना है सबसे पहला काम। अगर क्लीन करने से भी आपका प्रॉब्लम सही नहीं हो तो आपको दूसरा चीज़ है जो देखना है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा पॉइंट पर काम नहीं कर रहा है वहाँ पर गौर से देखिएगा तो वहाँ पर दो पॉइंट बना होता है, हर बटन का दो पॉइंट होता है, वो दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कराने पर आपका जो है रिमोट काम करता है। तो यहाँ पे चिमटी से मैं सटा के देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा, सॉरी यहाँ पर जो है बैटरी नहीं है, बैटरी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो बैटरी लगा के और जो है वहाँ पर हम पॉइंट को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा बत्ती ब्लिंक करना चाहिए, मतलब ये जो है काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बटन हमारा काम कर रहा है, इसी तरीका से ये जो बटन है इसको भी काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है अब मिल गया, यहाँ पर जो हमारा ये पैड है जो बटन है यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमारा यहाँ किट में प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है यहाँ पे आपको दबाने से काम नहीं करता है, तो उस स्थिति में आप देखिएगा यहाँ पर जो आपका ट्रैक होता है ये ट्रैक आप ट्रेस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको डैमेज मिलेगा, मतलब टूटा हुआ मिलेगा। किसी किसी अवस्था में होता है कि आपका रिमोट पटकने से और जो है ये ट्रैक टूट जाता है। तो यहाँ पे आप ट्रेस करते हैं, या अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेंड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, जो भी ट्रैक टूटा होगा आपको नज़र आ जाएगा। और उससे भी नहीं होता है तो आप मल्टीमीटर से जो है ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ट्रैक टूटा हुआ है। तो उस स्थिति में आपका जो है ट्रैक को जोड़ देते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पर जो हमारा है वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जो है ये काम कर रहा है, बट जो हमारा पैड चढ़ाने पे वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे मिल गया कि जो हमारा पैड है यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस पैड पे काम करना होगा। हमारा रिमोट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसका जो सर्किट है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक इस तरीका का केमिकल आता है जिसे हम कार्बन भी बोलते हैं। तो ये आपका कार्बन, ये केमिकल जो है केमिकल टाइप में आता है, और ये कार्बन वहाँ पर लगा होता है। जो भी आपका पैड होता है, मतलब जो बटन होता है वहाँ पे आप गौर से देखिएगा यहाँ पे तो ब्लैक ब्लैक जैसा डॉट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये डॉट क्या है, कार्बन ही है। यही कार्बन क्या होता है हमारा बटन में जाके और दोनों हमारा पॉइंट को शॉर्ट कराता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका बटन ज़्यादा यूज होता है वो बटन का कार्बन हट जाने के कारण आपका जो रिमोट है नहीं काम करता है। तो वहाँ पर इस कार्बन को जो है लगा लेंगे, यहाँ पर ये पानी जैसा होता है तो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है मैं ये ब्लैक पॉइंट पे मैंने लगा लिया है, यहाँ पर जो है थोड़ा इधर उधर भी हो गया है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा ब्लैक पॉइंट है उस पर अच्छा से लग जाए। तो चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं है, साइड में हम बाद में जो है सफ़ा कर लेंगे।
तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो है ब्लैक पॉइंट है उस पर हम अच्छा से कर लेंगे, मतलब उस पर जो है कार्बन को चढ़ा लेंगे। और ये पानी जैसा होता है तो इसे आपको सुखाना होता है, तो सुखाने के लिए आपको क्या करना है, धूप में भी रख सकते हैं, बट अभी जो है मेरे पास तो अभी धूप है नहीं, क्योंकि अभी जो वीडियो शूट हो रहा है ये शाम में वीडियो शूट हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो 100 वाट का बल्ब होता है तो उससे हम इसको सुखाएंगे, क्योंकि हमारा जो बल्ब होता है वो काफ़ी गर्मी देता है, और यहाँ पे 1 से 2 मिनट लगेगा, हम इसको सुखा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है बल्ब का मैंने सहारा लिया है और इस बल्ब से हम इसको सुखाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समय ले सकता है, यहाँ पे 1-2 मिनट लगेगा, तो यहाँ पे 1-2 मिनट लगेगा, तो इसलिए थोड़ा जो है वीडियो को यहाँ पे हम स्किप करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे 2 मिनट लमसम हो चुका है और ये जो है अभी सूखने जैसा हो गया है। यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो है सूख गया है। अब यहाँ पे जो है मैं इसको हटा लेता हूँ, बल्ब को मैं हटा लिया, और ये जो है हमारा पैड है अब सूख चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा में, देखिए यहाँ पर जो हमारा ब्लैक पॉइंट है वो सूख चुका है, और उसके ओरी पोरी में जो है आसपास में थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो सूखा नहीं है, तो उसको हम इससे हटा लेंगे। देखिए जो भी हमारा पानी जैसा था वो हटा लिया, और जहाँ पर हमारा परफेक्ट चाहिए वहाँ पर अब लग गया है और वो जो है सूख गया है। तो अब हमारा ये जो है काम है परफेक्ट हो चुका है। अब इसको हम जो है यहाँ पे लगा लेंगे, और लगाने के बाद देखिएगा जो है हमारा रिमोट अब काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम था कि कार्बन वहाँ से हट जाने के कारण हमारा रिमोट नहीं काम कर रहा था। तो चलिए इसे जो है हम पैक कर लेते हैं। अब देखिए देखिए यहाँ पर जो है अभी काम कर रहा है, ये पहले कितना भी हमारा ज़ोर से प्रेस किया जाता था काम नहीं कर रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाइट जैसा बन गया है, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे दबाया जाता था इसलिए। तो अभी देख सकते हैं कितना अच्छा तरीक़ा से काम कर रहा है, आराम से दबाने से ही काम कर जाए, पहले कितना हम प्रेस कर ले रहे थे काम नहीं कर रहा था। तो इस तरीक़ा से जो है आप किसी भी रिमोट को आसानी से ठीक कर सकते हैं, कोई भी ब्रांडेड टीवी का रिमोट हो या कोई भी रिमोट हो, एसी वगैरह कुछ भी का भी रिमोट आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो ये जो केमिकल है आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, आपको मात्र 40 से 50 रुपये में मिलेगा, और इससे जो है 200-250 रिमोट आराम से रिपेयर कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दिया हूँ जिस तरीक़ा से आपको फॉलो करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।